ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि एक शहर की मौत कब होती है। आज भले हम शहरों के बुनियादी ढांचों का विकास करते जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी की दिशा में कदम बढ़ाते जा रहे हैं, बहुत से सामाजिक एवं नैतिक मुद्दे हैं जिन्हें देख सुनकर लगता है जैसे कि शहर की आत्मा मरती जा रही है। तो एक शहर कब मरता है? मरता है तब जब हम एक दूसरे के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। अपनी फैंसी कार और बाइक में घूमने वाले हम और आप जब लाल बत्ती की परवाह नहीं करते और सरासर गाड़ी दौड़ा कर निकल जाते हैं। हम यह भी नहीं सोचते कि हमारी इस रेस में न जाने कौन निर्दोष गिरफ्त में आ जाए और बेमौत मारा जाए। जब ऐसी हरकतें होती हैं तो एक शहर की मौत होनी शुरू हो जाती है। एक शहर जगह जगह पर जन्म लेने वाले लोगों के गुस्से से मरता है। चाहे ट्रैफिक जाम हो या स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, बाजार, कहीं भी, हर कोई गुस्से और तनाव से भरा हुआ होता है जब वो गाड़ी चलाता है। हर किसी की सहन शक्ति जैसे चूक सी जाती है। हम एक दूसरे के प्रति लापरवाह तो हैं ही, बेरुखे भी हैं। अक्सर तो हम किसी पचड़े में पड़ना नहीं चाहते। अगर पढ़कर कुछ करना चाहें तो हमारा तंत्र इतना थकाऊ है कि वो हमारी व्यस्त और स्मार्टफोन से उलझी जिंदगी को त्रस्त कर देता है। शहर तब मरता है जब उसके बच्चों के पास खेलने के मैदान नहीं होते और उसके बच्चे के फेफड़े जानलेवा प्रदूषित धुएं से भर जाता है। वे इस पानी को पीने से डरते हैं जिसमें प्लास्टिक बोतल की दुर्गंध ना आए। उनके लिए स्कूल जाना आना एक ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई जैसी कठिन हो जाती है। तो एक शहर की मौत होती है। शहर की मौत तब होती है जब बीमार और बूढ़े एम्बुलेंस में मर जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक की भीड़ में उनका अस्पताल पहुंचना ही मुश्किल हो जाता है। अगर अस्पताल पहुंच भी गए तो पता लगता है कि डॉक्टर कहीं और उलझा हुआ है, मशीनें खराब पड़ी हैं, लाइट चली गई है। हम यह सब देखते हैं और भोगते हैं लेकिन कर कुछ भी नहीं पाते हैं। शहरों में नौजवान अपनी बाइक पर झंडे लिए किसी एक अजनबी के पास आकर रुकते हैं और पूछते हैं कि तुम क्या हो। वे अपने ही उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के साथियों को पराई की नज़रों से देखते हैं, उन्हें मारते हैं। उसका अंजाम यह होता है कि डरे सहमे किसी खास क्षेत्र के लोग अपनी जगह लौटने लगते हैं और तब एक बार फिर हमारा शहर मरता है। बाद में यही नौजवान भाड़े के टट्टू बनकर किसी दल के लिए दंगा भड़काते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आग लगाते हैं और इंसाफ की मांग के नारे लगाते हैं। हमारी सड़कों पर रोजी रोटी कमाने वाले गरीब जब सताए और बिना बात के दबाए जाते हैं तब हमारा शहर मरता है। हम सब ये दृश्य अपने घरों की खिड़कियों से देखते हैं और यही सोच लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। वास्तव में हम एक संख्या बन गए हैं उन लोगों की जिनका अब किसी के लिए कोई अर्थ नहीं रह गया है। शहर की मौत होती है तब जब छोटी छोटी बातों और घटनाएं बहुत भयानक रूप ले लेती है, चाहे गुस्सा हो या फिर मच्छर। इन शहरों में अब दोस्त नहीं मिला करते हैं, सब अपने बिलों में घुसे बैठे रहते हैं। वे दोस्तों के बजाय आसपास के मॉल वगैरह में जाना पसंद करते हैं जहां उन्हें ट्रैफिक की जद्दोजहद में नहीं फंसना पड़े। शहर तब मरता है जब हम उसके निवासी देखने और इंतज़ार करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। जिन्होंने शहर को जवां, मासूम और वास्तविक बगीचों से भरा देखा है और इसके फलने फूलने की परिकल्पना की है, उन्होंने भी अब यह स्वप्न देखना छोड़ दिया है। और जब भविष्य मरता है तो शहर सचमुच मर जाता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।